हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, तब बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी चीज़ की बेसिक अगर हम समझ लें तो फिर हमें चीज़ें आसान लगती हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बात यही उठती है कि वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? तो बच्चों, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो हमने पाया कि फोर्स वो पुश और पुल है जो किसी बॉडी को एक्सेलेट कर सकता है। एक्सेलेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ला सकता है। वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब है कि अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो बढ़ा सकता है, घटानी है तो घटा सकता है, और इवन उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता है। तो फोर्स वो है जो वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है। कई बार फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन ही बदल रही है तो फिर उसमें वर्क, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो स्पीड नहीं बढ़ रही तो एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो फिर वर्क नहीं हो रहा। तो वर्क का लेना देना बेसिकली एनर्जी से है कि जब किसी चीज की एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी तो उस प्रोसेस को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस है, समझे बच्चों? तो अब आप कहेंगे कि सर, मतलब एनर्जी लेने या देने की प्रक्रिया को वर्क कहते हैं। अब इसमें देना भी होता है, लेना भी होता है। जैसे मान लो कि मुझे ना इस दीवार को एनर्जी देनी है, तो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और ये मूव हुई नहीं, तो क्या मैं इसको एनर्जी दे पाया? नहीं। अब मान लो मुझे इसको, पेन को एनर्जी देनी है, और इस पेन को मैंने अपने हाथ में ऐसे रख दिया, तो मैं, मतलब इसको मैंने टेबल पे रख दिया, तो मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो क्या मैं इसको एनर्जी दे पा रहा हूं? द आंसर इज नो, नहीं दे पा रहे। तो फोर्स लगाना जरूरी है, बिना फोर्स लिए तो कैसे एनर्जी देंगे? और दीवार पे मैं फोर्स भी लगा रहा हूं तो भी मैं एनर्जी नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हूं उसमें। तो एनर्जी देने के लिए, जैसे मान लो मुझे इसको एनर्जी देनी है डब्बे को, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे एनर्जी दूं, मतलब मैं फेंकू इसको, तो मैंने दे दी इसको एनर्जी, तो बेसिकली फोर्स लगा के मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तभी इसको एनर्जी मिली, समझे बच्चों? तो एनर्जी देने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जरूरी हैं, ठीक है? तो यानी कि एनर्जी देने के प्रोसेस में फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। और एक तीसरा केस जो मैंने बताया तुम्हें कि अगर हम सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसमें एनर्जी सप्लाइड जीरो होती है। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्वालिटेटिवली, ये तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई। क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली है ना, क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसकी है, वी मे डिफाइन वर्क एज the dot product of force to displacement। force और displacement की dot product हम वर्क को कह सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो देखिए, जरा समझिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट, तो जो हमारा वर्क हुआ वो एफ डॉट एस हो गया। यहां पे एफ जो है वो फोर्स है और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है।
अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जब हम वर्क निकालेंगे तो वर्क आ जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इंटू एस। दोनों में कोई बुराई नहीं है, दोनों ठीक है। तो देखो पहले वाली बात का क्या मीनिंग है। तो मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस पर हमने ये फोर्स लगाया एफ, और उसके चलते ये ब्लॉक यहां पहुंचा। तो ये ए पे था, ए से ये बी पे आ गया। तो अब ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये एस कॉस थीटा हो जाएगी। तो जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट के फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट से ले लो। तो ये जो आपका हुआ, मान लो इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं, तो जो एसी है वो एस कॉस थीटा है, एंड एस कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की और एस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करो। अब दूसरी डेफिनेशन देखो, यहां भी बता देता हूं मैं। तो मान लीजिएगा कि एक बॉडी है, ये ए पे है और इस पर हमने एक फोर्स लगाया है, है ना, और ये बॉडी यहां आ गई बी पे। तो हम किसको देख रहे हैं? हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को देख रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे एनर्जी, हम उसी पॉइंट को देंगे ना। अब वो पॉइंट इस पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है तो पूरी बॉडी को मिल जाएगी एनर्जी अपने आप ही। तो देखिएगा ये थीटा है, तो अब इस मैंने एफ के ही कंपोनेंट कर लिए, तो एफ का एक कंपोनेंट आया जिसका नाम हुआ एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है एस। एक और कंपोनेंट होगा एफ का जिसका नाम होगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा के बारे में बात नहीं करेंगे, ये यूजलेस है। तो जो वर्क की डेफिनेशन आ गई वो आ गई बच्चों एफ कॉस थीटा इंटू में एस। यानी कि वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज, यहां पर लिख देता हूं, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में एस। यानी कि वर्क डन बाई ए फोर्स, वर्क डन मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ displacement to the component of displacement, component of force in the direction of displacement। तो डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में है, उसका और इसका प्रोडक्ट ले लो। या फिर यहां पे देखो, यहां पे ये बन गई बात, है ना, ये तो डॉट प्रोडक्ट है ही। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में एस कॉस थीटा, या फिर एस कॉस थीटा इंटू में एफ, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। एस कॉस थीटा इंटू में एफ, S cos theta is the component of displacement in the direction of force multiplied by force. F cos theta is the component of force in the direction of displacement multiplied by displacement.
मेन डेफिनेशन है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, किसी भी एक का कंपोनेंट किसी भी दूसरे की दिशा में ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वर्क हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब हम सीखेंगे कि हम वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क। तो आप कहेंगे कि सर ये वर्क जो है वो एनर्जी देने का प्रक्रिया क्या है और एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा बेसिकली बता दीजिए एनर्जी के बारे में। तो देखिए एनर्जी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको, क्या होती है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है, एनर्जी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो हम कहेंगे कि इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, मतलब इसके पास एबिलिटी है कि किसी दूसरे को एनर्जी दे सकती है। तो देखा जाए तो एनर्जी को थोड़ा फील करना मुश्किल सही हो गया, लेकिन कई प्रकार की होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि रेडिएशन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी भी होती है बच्चों। फ्लूइड में पढ़ाई जाती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसको आप ऐसे फील कर सकते हो कि जैसे आपके सामने एक बुलेट है, गोली है, वो गोली जो है वो रखी हुई है टेबल पे, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, पर वही गोली अगर किसी बंदूक से निकल के आपकी तरफ आ रही है तो बहुत खतरनाक है, वो बॉडी में पेनिट्रेट कर देगी। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके सामने एक ट्रेन है जो खड़ी हुई है और आप ट्रैक पर खड़े हैं, तो आपको कोई डर नहीं है क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पर एक चलती हुई ट्रेन के सामने अगर आप खड़े हैं तो वो ट्रेन अचानक से नहीं रुक सकती क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मान लो कि पानी है टंकी में ऊपर छत पे, है ना, तो वो पानी जो है जैसे आप टैप खोलते हो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो फिर वो पानी तेजी से बह के नीचे आता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। समझ रहे बच्चों? तो कैसे आ गई उसमें काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी से बन गई वो काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस का फंक्शन होती है, तो यू नॉट प्लस एमजीएच लिख देते हैं हम लोग, लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग के लिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फिर एक और फॉर्मूला भी होता है, यू नॉट तो जुड़ी जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दो प्लैनेट अगर स्पेस में है तो। यू नॉट को हम जीरो भी लिख सकते हैं, अगर मैं जीरो लिख लूं यू नॉट को, तो फिर ये बन जाती है एनर्जी के फॉर्मूले एम जी एच हाफ के एक्स स्क्वायर। बस यू नॉट रेफरेंस के लिए होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फिर जैसे एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, उसको भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हैं, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी। कैपेसिटर इज ऑल्सो एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। भिन्न भिन्न प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये ग्रेविटी के कारण है, ये स्प्रिंग में स्टोर्ड है, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के ही कारण है, पर दो भारी भारी प्लेनेट की हो गई, ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये फिर आपकी कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब एक डाइपोल और भी होती है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज सो मेनी टाइप। अब रेडिएशन एनर्जी, तो जैसे रेडिएशन में फोटोन आते हैं, तो हर एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, समझे बच्चों? तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी रेडिएशन, जैसे गामा फोटोन है, तो गामा फोटोन के अंदर एनर्जी है और वो बॉडी पे गिरते हैं तो बॉडी के सेल्स को मार देते हैं। एक्सरेज के जो रेडिएशन है वो सेल्स को कम मारते हैं,
थोड़ी देर के लिए हम एक्सरे बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। अल्ट्रावायलेट लाइट भी ऐसे ही डेंजरस है, आंखों के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है वो, लेकिन सामान्य स्किन के सेल को नहीं कर पाता है, और किसी किसी का करता भी है फिर बहुत ज्यादा एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट लाइट का भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा मोड़ा ठीक होता है, उससे विटामिन डी तैयार होता है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला इतनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर एनर्जी, तो अगर हम पी प्रेशर लगा के किसी है ना गैस को वॉल्यूम डीवी से बदल देते हैं तो हम उसमें प्रेशर एनर्जी दे देते हैं पीडीवी, तो पीडीवी इज कॉल्ड चेंज इन प्रेशर एनर्जी, डेल्टा चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो इसको ऐसे में लिख देता हूं, इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी। P डेल्टा V इज द चेंज इन प्रेशर एनर्जी, समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी होगी। तो अब इस चैप्टर में हम ये तो पढ़ेंगे बट बाद में पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, और ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, मेनली हम यही पढ़ेंगे, यही हमारी मेन एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, समझे बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजिटिव बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पॉजिटिव बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, रेडिएशन एनर्जी इज द एनर्जी प्रेजेंट इन द रेडिएशन, जो सन से आ रहे हैं और बल्ब से आ रहे हैं, ट्यूबलाइट से आ रहे हैं, हर चीज से रेडिएशन निकल रहे हैं, हर रेडिएशन में एनर्जी है, वो एनर्जी के पैकेट होते हैं फोटॉन्स। प्रेशर एनर्जी फ्लूइड में ही होती है, जब कोई गैस होती है या फिर कोई लिक्विड होता है जो प्रेशर मारता है, अपने प्रेशर के चलते वो अर्क कर सकता है, तो उसको प्रेशर एनर्जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और वर्क कैलकुलेट करने के तरीके सीखते हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। तो सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स का हम कैसे वर्क निकालेंगे, तो देखिएगा, मान लीजिए फोर्स है ये F, जिसका फॉर्मूला है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। और एक बॉडी जो है वो कहां पे थी, वो इनिशियल पोजीशन थी उसकी आर वन, जो कि था एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, है ना, के कैप, और वो चली गई कहां पे, वो चली गई R2 पे, वेक्टर लगाना है, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, ना वो यहां चली गई। तो हम ऐसे बना सकते हैं डायग्राम में कि भाई ये कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है X1 कॉमा Y1 कॉमा Z1, है ना, इस वेक्टर को हम बोलते हैं R1। ऐसे ही ये हो गया हमारा R2 वेक्टर, यहां चली गई बॉडी A से B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए X2 कॉमा Y2 कॉमा Z2। अब बॉडी कैसे गई है ये हमको नहीं पता, और बॉडी पे ये फोर्स लग रहा था ऐसे F, मतलब जब बॉडी यहां थी तो F ऐसे लग रहा था, तो F जो है वो कांस्टेंट है, अब बॉडी यहां से यहां गई है, सीधे भी जा सकती है, ठीक है ना। तो मेनली कैसे जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो मेनली डिस्प्लेसमेंट ही लेना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया S। तो आप देख सकते हो कि R1 वेक्टर में जब मैं S वेक्टर जोड़ता हूं तो मुझको R2 वेक्टर मिलता है, तो इसका मतलब S वेक्टर की वैल्यू होगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि S जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू हो गई आपकी X2 माइनस X1 ब्रैकेट I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 ब्रैकेट J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 ब्रैकेट K कैप, ऐसे हो गया। तो अब ये देखिएगा, अब ये F है तो जो वर्क है वो कितना आ गया, वर्क W की वैल्यू आ गई आपकी FX
इंटू में एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई इंटू में वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ऐसे आ गया। तो बस ये वर्क हो गया। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे एनर्जी स्केलर है, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 केजी अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन इज एक्टिंग एंड द बॉडी goes from a खास पॉइंट ले लेते हैं, पोजिशन ए 3 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर टू बी 6 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर। एफ का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। तो पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं एस, वो जाएगा हमारा, ये सॉल्यूशन हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप। यहां से एस वेक्टर आ जाएगा हमारा, एक्स टू है 6 माइनस 3 इंटू आई कैप प्लस 8 माइनस 1 इंटू में जे कैप प्लस 3 माइनस 5 इंटू में के कैप। तो एस इज इक्वल टू हो गया 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। और एफ क्या है, एफ है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वर्क आ जाएगा, तो वर्क हो गया एफ डॉट एस। समझ रहे हो बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता ही होता है कि आई आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं जे जे के। तो 3 × 3 प्लस 7 × 2 माइनस 2 × प्लस माइनस का 2 × 6 9 प्लस 14 माइनस 12 9 प्लस 14 माइनस 12 11 जूल आ गया। अब ये जूल में तब है क्योंकि ये फोर्स तो न्यूटन में है और ये मीटर में है, तो इसलिए आंसर जूल में आ गया। तो ऐसे करके हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, बस ठीक है, समझ आई क्या होगा। अब मान लो कि बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हो, ठीक है, ऑन ए बॉडी ऑफ मास 4 kg 2 फोर्सेस एफ वन इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 10k कैप न्यूटन है एंड एफ टू इज इक्वल टू
सेवन जे कैप माइनस टू के कैप न्यूटन है, आर एक्टिंग, आर एक्टिंग है ना, एंड द बॉडी गोज फ्रॉम दिस पॉइंट 0.0 0.0 मीटर है ना टू 3 मीटर कॉमा 2 मीटर कॉमा 5 मीटर. कैलकुलेट वर्क डन बाय एफ. तो वर्क डन बाय एफ निकालना है. वर्क डन बाय F1 plus F2 का मतलब हुआ नेट फोर्स का, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय नेट फोर्स. तो अब देखो दो तरीके हैं मेरे पास. अगर मैं दोनों का इंडिविजुअल वर्क निकाल के जोड़ दूं तो भी नेट वर्क डन आ जाएगा, और अगर मैं क्या कहते हैं आपका नेट फोर्स का वर्क निकालू तो भी उतना ही आएगा. तो W इज इक्वल टू एफ नेट डॉट एस, ऐसे कर लो. अब देखो एफ नेट का मतलब है आप इन दोनों फोर्सेस को जोड़ोगे, तो हेयर एफ नेट क्या हुआ, एफ नेट हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे हो जाएगा एफ नेट है ना. तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3i कैप प्लस 7k कैप और प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप. देखो 3i 7j 10 में से 2 गए 8k. तो अब डिस्प्लेसमेंट एस एंड एस, अब देखो इसमें से घटाएंगे तो 0 0 घटाएंगे तो वही मिलेगा हमें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. अब वर्क निकालना है तो इसमें क्या हो गया, W की वैल्यू आ गई हमारी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 9 प्लस 14 और प्लस 40 54 प्लस 9 63 जूल आ गया. अब देखो हम अलग अलग से भी कर सकते थे. मान लो W1 जो है ना वो वर्क डन बाय F है, वर्क डन बाय F1, तो वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा 3i कैप प्लस 10k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप. इसको निकाल लो, 3 3 9 और 10 into 8 10 8 80 हो गया, तो 9 plus 80 89 हो गया जी. अब वर्क डन W2, वर्क डन बाई F2, F2 कितना है हमारा, F2 है आपका 7j कैप माइनस 2k कैप है ना. अब इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लिया जाएगा 3i कैप प्लस, डिस्प्लेसमेंट में तो 2 ही है ना यहाँ पे, दिस इज 2 जस्ट 2, डिस्प्लेसमेंट इज 3 2 5 3 2 5. अरे क्या कर दिया, 3 2 5, तो 3 3 9 और 10 5 50 59 आएगा, 3 2 प्लस 5. देखिएगा जे है ना 7 × 14 − 5 × 10 − 10, तो ये 4 ही जूल हुआ. तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 वैल्यू आती है 59 प्लस 4, दैट इज 63 जूल. दिस इज द वर्क डन. समझ आ गया बच्चों, मतलब अगर हमने एफ नेट का वर्क निकाला तो वो भी 63 आया, फिर हमने क्या किया F1 का वर्क निकाला वो 59 आया, F2 का वर्क निकाला वो 4 आया, दोनों को जोड़ा 63 आया. तो ऐसे ही होता है, ठीक है. तो मुझे लगता है आप सीख गए
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो अब वेरिएबल फोर्स ऑब्वियसली बात है कि वो एक्स का, वाई का, जेड का फंक्शन हो सकता है या टी का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि देखो, मान लो कि छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डीएल, तो डीएल इज एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो एस क्या था, एस वाज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट वाज एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप, है ना, ऐसे था ना। या फिर आप एस जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप प्लस डेल्टा जेड इंटू के कैप। अब ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो जब हमें एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा तो जो डेल्टा एक्स होता है वो डीएक्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा एलिमेंट बन जाता है। तो डीएल का एक्सप्रेशन आ जाता है डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे बन जाता है। समझ रहे बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यू कैन से एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब एफ जो है वो आपका मान लीजिए एफ एक्स आई कैप है प्लस एफ वाई जे कैप है प्लस एफ जेड के कैप है। तो पहले हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू का मतलब वो एलिमेंटल वर्क डन, तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी एल। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। इस तरीके से ही हमारा डी डब्ल्यू आ गया। अब अगर हमें नेटवर्क डन निकालना है तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होंगी, मान लो बॉडी ए से बी जा रही है तो ए से बी, और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन होंगी वो कंडीशन फॉलो करते हुए हमें वर्क कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया, वेरिएबल फोर्स के वर्क का फॉर्मूला। तो चलिए एक आध एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ आए कि कैसे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालते हैं। ओके, देखो जी क्वेश्चन देता हूं। ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 2x आई कैप न्यूटन इज एक्टिंग एंड द बॉडी goes from 1 meter, 3 meter, 5 meter to 6 meter, 8 meter, 2 meter, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाई एफ, इसका नाम यही रख लेते हैं और इसका भी।
एफ का वर्क डन बताओ। तो देखिएगा वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एफ। तो जब हम डब्ल्यू एफ निकालेंगे, डी डब्ल्यू निकालेंगे पहले, तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, ये सॉल्यूशन है। डी डब्ल्यू मतलब वर्क का ही फॉर्मूला पूरा था तो अपने पास, वही लिख देता हूं मैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये था बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो ये टू एक्स है, एफ वाई तो है ही नहीं, वो तो जीरो है, एफ जेड भी जीरो है, तो कुल मिला के दिस टर्म इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज टू एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स ए टू बी। अब इसमें ये मायने नहीं रखता कि y के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन x का कर रहे हो तो फिर y के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। z के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहे हैं वही नहीं रखता। x के कोऑर्डिनेट 1 से 6 तक जा रहे हैं, तो अब आपको 1 और 6 को देखना है। तो ये हो गया फिर इंटीग्रेशन 2x dx, द लिमिट गोज x गोज फ्रॉम 1 टू x गोज टू 6। x मत लिखिए बस, यहीं पर हो गया x गोज फ्रॉम 1 टू 6। यहां आप x भी हटा दीजिए क्योंकि लिमिट 1 से 6 हो गई, क्योंकि आपका वेरिएबल x है तो आपको x कोऑर्डिनेट ही देखना है कहां से कहां तक जा रहा है। तो शुरुआती पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट 1 है और बाद के पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट 6 है। तो w की वैल्यू आ गई बच्चों 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो गया, लिमिट लग गई x से 6 तक, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी कि 35 जूल, बात खत्म हो गई, समझ गए। तो इस तरीके से हमने वर्क डन बाय एफ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आया हमारा वर्क डन बाय एफ जो कि 36 जूल है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। मान लीजिए कि यहां पे फोर्स जो है वो बदल जाता है, फोर्स हो जाता है 3y² जे कैप, ओके, न्यूटन, न्यूटन भी लिख दो। तो अगर फोर्स 3y² जे कैप न्यूटन हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां पे देखो एफ एक्स तो जीरो हो गया, ये 3y² हो गया है ना, और ये भी जीरो हो गया, तो कुल मिला के dy बचेगा, तो 3y² dy, इसको हम लिखेंगे 3y² dy। अब क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो y के टर्म में है, तो अब हमें ये नहीं देखना कि x कोऑर्डिनेट 1 से 6 तक जा रहे हैं, z कोऑर्डिनेट 5 से 2 तक जा रहे हैं, हमें y कोऑर्डिनेट देखना है 3 से लेके 8 तक जा रहे हैं। तो यहां पे 3 डाल देंगे, यहां पे 8 डाल देंगे। अब देखो w इज इक्वल टू 3y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3, लिमिट लग जाएगी 3 से लेके 8 तक, तो 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है आई थिंक 512, ठीक है, और 8 का क्यूब 512 ही होता है, और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आई थिंक 485 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स न्यूटन में है और ये क्या कहते हैं आपका जूल में है, तो वर्क जो है वो आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये है 4z के कैप न्यूटन है ना, 4z के कैप न्यूटन, तो देखो fx कितना हो गया जीरो, fy भी जीरो, ये हो गया 4z, ओके। तो अब जब यहां पे आप डाल देंगे 4z dz, अब मामला इस बात का है कि आपका z कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है, 5 से लेके 2 तक, तो यहां पे 5 लिखेंगे 2 लिखेंगे 4z dz, तो w की वैल्यू 4z का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4z² / 2, लिमिट लग जाएगी आपकी 5 से 2 तक, इसको आप 2z² लिख दो, लिमिट लग जाएगी 5 से 2 तक, 2 का आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो
लिमिट लग जाएगी 5 से 2 तक। तो 2 तो बाहर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 इंटू में 4 माइनस 25 21 हो गया, 21 दूनी 42, तो माइनस का 42 जूल। अब ये माइनस का वर्क आ गया, तो जब जब वर्क माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि हमने उस बॉडी को एनर्जी दी नहीं है बल्कि उससे एनर्जी ले ली है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी देना और नेगेटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी लेना। तो खैर इसकी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो हम वर्क कैलकुलेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब सपोज करें कि फोर्स में फिर से बदल देता हूं, ठीक है बच्चों। अब की बार जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप न्यूटन। तो इसमें दो दो टर्म आ गई, ठीक है। तो देखिए जेड तो एफ जेड तो है नहीं, पर ये 3x² है और ये आपका 2y है। तो अब की बार थोड़ा खतरनाक सा बनेगा, ए से लेकर बी तक 3x² dx प्लस 2y dy। अब हम क्या करेंगे ना, इसको अलग अलग तोड़ देंगे। तो w को लिख देंगे हम 3x² dx प्लस 2y dy, ये भी a से b और ये भी a से b। अब जब a से b जा रहा है और ये वाला इंटीग्रेशन है, इसमें तो x x है, इसमें y y है, तो इसके लिए हम x की लिमिट देखेंगे, इसके लिए y की देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² dx, x की लिमिट 1 से लेके 6 तक 1 to 6, प्लस 2y इंटू dy, और y की लिमिट जा रही है आपकी 3 मीटर से 8 मीटर तक, तो 3 मीटर टू 8 मीटर। तो ये 3x² का मतलब हो जाएगा x की पावर 3 1 से लेके 6 तक, प्लस ये y का स्क्वायर हो जाएगा 3 से लेके 8 तक। तो 6 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है ना, प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा 6 का क्यूब होता है 216, में से एक गए 215, 215 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 9 कम कर दो, तो 64 में से 10 कम करेंगे तो 54, 9 कम करेंगे तो 55, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 272, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम ये वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए यहां पे माइनस होता है ना, तब क्या होता, तो यहां भी माइनस लग जाता, समझ रहे हो बच्चों, यहां भी माइनस लग जाता और फिर यहां भी माइनस लग जाता, लास्ट में यहां भी माइनस लग जाता, तो यहां भी माइनस लग जाता, तो 255 माइनस 15, तो 215 माइनस 55, तो अगर 205 में से 55 घटाएंगे तो 155 आएंगे, मतलब एक तरीके से 200 में से 50 कम करो तो 165, और उसमें से 5 और कम कर दो, 200 में से 50 कम करेंगे तो 150, 215 में से 50 कम करेंगे तो 165, तो 160 आ गया है ना, 160 सही है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया है, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है। तो फोर्स है अब की बार वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप न्यूटन, एक्टिंग एंड द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, ए टू बी 6 मीटर कॉमा 8 मीटर अलोंग
द स्ट्रेट लाइन ए बी, कैलकुलेट वर्क डन बाय एफ। एफ का वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें बॉडी को अलोंग द लाइन ए बी लेके जाना है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर अलोंग द लाइन ए बी लेके जाना है तो मैं कैसे करूंगा, तो पहले मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी एक्स टू कॉमा वाई, ठीक है बच्चों। तो अब ये मेरा पॉइंट हो गया, तो एक्स वन की वैल्यू यहां पे क्या है, एक, वाई वन की तीन, एक्स टू की क्या है छह, और वाई टू की है आठ। तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं, तो वाई माइनस वाई वन तीन इज इक्वल टू वाई टू आठ माइनस तीन बाई छ माइनस एक इंटू एक्स माइनस एक्स वन वन। तो वाई माइनस तीन इज इक्वल टू पांच बाई पांच इंटू एक्स माइनस एक, है ना, पांच बाई पांच तो वन ही हो गया। तो वाई माइनस तीन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस दो, ये लाइन हो गई। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, आठ में से तीन बज गए पांच, छह में से गया पांच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमें y मिल गया तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से dy by dx क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन प्लस दो का डेरिवेटिव जीरो, तो यहां से dy की वैल्यू dx के बराबर आ गई। अब देखो वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला था हमारा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया, अब देखो एफ एक्स तो y है, तो माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ए से बी पर। अब समस्या यह है कि वाई एक्स के, इसको आप अलग अलग करोगे तो वाई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर तो स्मार्ट है ना, वो जानता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने हिंट दिया कि अलॉन्ग द लाइन ए बी। तो जब y की वैल्यू आप x की टर्म में डाल दोगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, तो y की जगह पे आप x प्लस टू डाल दो। सो जस्ट पुट x प्लस टू इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू, अब dy की जगह पे dx डाल दो, dx बच गया। तो अब आप देखोगे कि a के कोऑर्डिनेट क्या है, a को छोड़ो अभी, a और b ही रहने दो, है ना। तो देखो एक्स डी एक्स ही है, एक्स डी एक्स ही है, कट गया, तो फाइनली ये बच गया ए से लेकर बी तक टू डी एक्स। अब टू डी एक्स जब यहां पर डी एक्स है तो इसका मतलब हमें एक्स की लिमिट देखनी है, हमें वाई की लिमिट ही नहीं देखनी। तो अगर एक्स की लिमिट देखेंगे तो एक से छह तक देखेंगे, तो यहां पर आप एक लिख दो और यहां पर आप छह लिख दो, तो दो का इंटीग्रेशन आ जाएगा टू एक्स और लिमिट लग जाएगी एक से छह तक। दो को बाहर निकाल दो एक्स, लिमिट लग गई एक से छह तक, दो बाहर है तो छह माइनस एक पांच दो दस, दस जूल आ गया दीवार, समझ गए बच्चों। तो आपने देखा कि इस प्रोसेस में जो वर्क आया वो दस जूल आया। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया और बदल के क्वेश्चन ये कर दिया, ध्यान से देखना, तो हम ये याद रखते हैं कि इस पार्ट का आंसर 10 जूल है, मतलब है ना, पार्ट वन का जो आंसर अलोंग लाइन एबी है ना, का आंसर आया 10 जूल, है ना। अब अलोंग द लाइन एबी नहीं है क्वेश्चन में,
तो एक पॉइंट है जो कि है 6.3 वाया सी 6 मीटर.3 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय एस, एफ का वर्क निकालना है। देखिएगा अब इसमें एक खास पॉइंट के थ्रू जा रहा है पार्टिकल, तो अब अगर मैं वर्क निकालूं तो W आएगा मेरा इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वही फॉर्मूला है। अब क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि जा तो रहे हैं हम ए टू बी पर वाया सी जा रहे हैं, तो हम इसकी लिमिट को तोड़ देंगे। तो हम कहेंगे देखो हम ए से गए सी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और फिर हम सी से गए बी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि ए और सी के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ बात है। तो ये 1 मीटर.3 मीटर हो गए और ये हो गया आपका सी 6 मीटर.3 मीटर। तो जब आप ए से सी जा रहे हो तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 3 का 3 ही रहता है और सी के कोऑर्डिनेट है 6 मीटर.3 मीटर और बी के कोऑर्डिनेट है 6 मीटर.8 मीटर। और जब आप बी सी से बी जाते हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 6 का 6 ही रहता है। तो अब यहां पे जब वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो डी वाई हो गया 0 और वाई की जगह पे आप डाल देंगे 3 क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ऐसे ही इसमें डी एक्स हो गया 0 और एक्स की जगह पे आप डाल देंगे 6, समझ रहे बच्चों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 6.3 से 6.8 तक मूवमेंट में एक्स की वैल्यू 6 की 6 बनी रहती है और इसमें 1 से 3 से 6 से 3 में वाई की वैल्यू 3 की 3 बनी रहती है। तो जब वाई की वैल्यू 3 ही बनी हुई है तो इसका मतलब डी वाई 0 है, समझे बच्चों। तो अगर आप ऐसा लिखते हो इसको तो देखो ये टर्म तो 0 हो गई, तो 3 डी एक्स और प्लस माइनस का 6 डी वाई। अब इस लिमिट में आप x के कोऑर्डिनेट देखो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक, तो ये 1 से 6। इसमें y के कोऑर्डिनेट देखो क्योंकि तो इंटीग्रेशन y में टूट गया ना, 3 से लेके 8 तक, तो ये तो हो गया 3x है ना, 3 इंटीग्रेशन के बाहर 1 से 6, और ये हो गया -6y, तो 6 इंटीग्रेशन से बाहर y 3 से लेके 8 तक, तो 6 में से 1 गया 5, 3 5 15, 8 में से 3 गए 5, तो 30, आंसर आ गया -15 जूल, आंसर डिफरेंट आ गया बच्चों। तो कुल मिला के अगर हम वाया सी लें पार्ट टू, वाया सी जो कि 6 मीटर.3 मीटर है, आंसर आ रहा है -15 जूल, समझ रहे हो बच्चों। तो इसका मतलब अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क होता है। तो अब हम एक तीसरा पाथ सेलेक्ट करते हैं, देखो अब की बार जो हम पॉइंट उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 1.8 मीटर वाया डी 1.8 मीटर। तो अगर मतलब ये जानबूझ के लिया हमने इसी तरह का पॉइंट, तो ग्राफ पे मैं समझा देता हूं बेसिकली क्या हुआ कि अगर ए यहां पे है और बी यहां पे है तो सी हमारा यहां पे हुआ क्योंकि उसमें एक्स वेरिएबल ही नहीं है। देख रहे हो ए के कोऑर्डिनेट है 1.3, बी के कोऑर्डिनेट है 6.8, तो सी हमारा था 6.3 पे, एक्स बदला वाई नहीं बदला, समझे ना बच्चों। तो ये सी है, इसमें क्या है ना कि एक्स नहीं बदला वाई बदला, ये डी है, जानबूझ कैसे लिया है 1.8 ताकि चीजें इजी रहे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती ना। तो कुल मिला के पहले पार्ट में ये वाला पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था है ना, और थर्ड पार्ट ये है, समझ रहे हो बच्चों। तो सेकेंड पार्ट में हम पहले सी गए फिर बी गए, इसमें हम इधर से जा रहे हैं। तो अब देखो डब्लू, तो डब्लू हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, लिमिट लग जाएगी ए से बी, अब इसको तोड़ देंगे ए से डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और प्लस डी से बी y dx माइनस एक्स डी वाई।
कोऑर्डिनेट डाल देते हैं डी के, तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 1.3 और डी के कोऑर्डिनेट है 1.8 है ना, ऐसे डी के कोऑर्डिनेट 1.8 है, मीटर मीटर तो है ही और डी के है आपके 6.8। तो आप देख सकते हो कि इसमें 1 कांस्टेंट है, मतलब x की वैल्यू 1 लेनी है और dx की 0 लेनी है, x की 1 dx की 0, समझे बच्चों। इसमें क्या है कि y की वैल्यू 8 लेनी है और dy की लेनी है 0, तो y को 8 ले लेना है और dy को 0 ले लेना है। तो अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हमारा w बन जाता है, टर्म तो 0 ही होगी, तो माइनस का dy और y के कोऑर्डिनेट जाएंगे 3 से 8 तक, फिर प्लस 8 dx और x के कोऑर्डिनेट जाएंगे 1 से लेके 6 तक, तो इसका इंटीग्रेशन y आ गया, माइनस बाहर y 3 से 8 तक और ये 8 इंटू में x 1 से 6 तक, तो 8 में से 3 गए 5, माइनस के 5 और ये हो गए 5 इंटू 8 40, प्लस के 40, तो प्लस का 35 जूल आ गया। तो कुल मिला के थर्ड पार्ट है वाया डी करेंगे जो कि 1.8 मीटर है, तो आंसर आया है 35 जूल। सभी तीनों पार्ट से वर्क अलग अलग आ गया है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग वर्क आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स। तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव टाइप का है। तो मैं एक कर्व और ढूंढता हूं जिससे ये जाता है, मान लो कोई पैराबोला है, ठीक है बच्चों, कोई तो पैराबोला हम बना ही सकते हैं ना जो ऐसे जा रहा हो, ठीक है, ये पाथ नंबर 4 हो जाएगा हमारा। तो इस पैराबोले की इक्वेशन मान लो ऐसे है, y इक्वल टू a इनटू में x स्क्वायर प्लस b, है ना, क्योंकि ऊपर को जा रहा है ना ये पैराबोला। तो अब देखो ये 1.3 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 1a प्लस b और ये 6.8 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 इज इक्वल टू 36a प्लस b। तो अगर मैं दोनों को घटा दूं है ना, तो 5 इज इक्वल टू 35a, a के साथ आ गया 1/7, अगर मैं a को 1/7 डाल दूं तो b की वैल्यू आ गई 3 - 1/7 यानी कि 20/7। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया y इज इक्वल टू 1/7 इंटू में x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे आ गया, नहीं 20 है ना, ये तो b की वैल्यू 20 है, तो 1/7 कॉमन है ना, x स्क्वायर प्लस 20, ऐसे आ गया। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 20 21, 21/7 3, x की वैल्यू अगर मैं 6 डालूं तो 36 प्लस 20 56, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब इस कर्व से जा रहा है, तो ये y d हटा दिया मैंने, मैं लिख रहा हूं अलोंग द कर्व है ना, अलोंग y इज इक्वल टू 1/7 इंटू में x स्क्वायर प्लस 20। तो जैसे लाइन वाला किया था ना वैसे ही करना है इसको भी, तो यहां से dy by dx निकालेंगे, तो dy by dx आ जाएगा 2x/7, तो यहां से dy की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/7x dx है ना। अब देखो dw, तो dw क्या था, इंटीग्रेशन y dx माइनस x dy, y की वैल्यू तो वहीं से उठाएंगे और dy की वैल्यू यहां से उठाएंगे, तो y की वैल्यू है 1/7 इंटू में x स्क्वायर प्लस 20 इंटू dx माइनस x इंटू dy की वैल्यू है 2x/7 इंटू dx, 2x/7 इंटू dx। तो देखो ये x स्क्वायर बाई 7 dx है, ये माइनस का 2x स्क्वायर बाई 7 dx है, तो माइनस का x स्क्वायर बाई 7 dx बचेगा, ये बच गया 20 माइनस x स्क्वायर बाई 7 इंटू dx है ना, 20/7, ठीक है। अब लिमिट तो x की लेनी पड़ेगी ना, तो 1 से लेके और 6 तक, तो 1/7 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 20x और माइनस x, x क्यूब बाई 3,
लिमिट एक से लेकर छह तक। अब देखो ये लिमिट लगाई है, अलग अलग ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, 1/7 ये तो हो गया 20/7 ही कर दो, है ना, 20/7 6-1 है ना, और माइनस 7 के 21, तो 1/21 है ना इंटू 6³-1, तो ये 100/7 हो गया जी, ये हो गया 215/21 है ना, -215/21, तो 215 कटेगा 21 से, नहीं कटेगा, तो इसको 300/21 कर देते हैं, 300/21 में से 215/21 कम कर दो, 85/21 नहीं कटता है, किसी से भी नहीं कटता। सो द आंसर इज 85/21। तो चार नंबर पे अलोंग y=1/7 इंटू में x²+20 से आंसर आया है 85/21, मतलब अलग ही आंसर आ गया सब में। तो आप देख सकते हो कि ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जिनके वर्क अलग अलग पाथ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो इनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए